नमस्ते, पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो की रबड़ी। इसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और हमने ब्रेड के स्लाइस 4 लिए, उसको मिक्सी में क्रश कर लिया है। ये ब्रेड क्रम्स बन गए। ये आधी कटोरी शक्कर, ये मैंगो का पल्प और मैंगो के टुकड़े बीच में डालने के लिए, और गार्निशिंग के लिए काजू, बादाम और पिस्ता, इलायची और केसर। मैंने एक कढ़ाई में हमारा आधा लीटर दूध जो था वो गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसे एक उबाल आने देते हैं। इस दूध को अब 10 मिनट के बाद अच्छा सा उबाल आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। उसके बाद उसमें हम ये मिल्क पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही लेना गाइस, क्योंकि इसमें मुठिया पड़ने का चांस रहता है। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाते रहेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस, ब्रेड की वजह से और मिल्क पाउडर की वजह से हम कितना अच्छा टेक्सचर मिला है। अब क्या करेंगे, इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा केसर ऐड करेंगे। फिर उसमें हम ये काजू, बादाम और पिस्ता का ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे। तो ये हमारी बन गई झटपट से रबड़ी। अब इस रबड़ी को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इस रबड़ी को हम शुगर डालेंगे 4 चम्मच ठंडी करने से पहले। अब एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे हमारी रबड़ी को। तो इस प्रकार ठंडी होने के बाद हमारी ये रबड़ी तैयार हो गई। अब इसमें मैं क्या करूंगी, आम का पल्प डाल लूंगी। डाल के उसे एक साथ अच्छी तरह से रबड़ी में मिक्स कर लूंगी। फिर उसमें मैं अब ये आम के टुकड़े भी ऐड कर लूंगी। बीच बीच में आएंगे ना रबड़ी में तो बहुत डिलीशियस लगता है गाइस। तो गाइस, आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।